है एमएस डॉस माइक्रोसॉफ्ट डिस ऑपरेटिंग सिस्टम। और आज का टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। जिस कंपनी ने इसको बनाया उसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट। ऑनर बिल गेट्स। करेक्टर यूजर इट्स अ करेक्टर यूजर इंटरफेस इंस्टेड ऑफ विंडोज दिस इज आल्सो क्रिएटेड बाय माइक्रोसॉफ्ट बिल गेट्स। दिस इज GUI ग्राफिक यूजर इंटरफेस। इन दोनों का मतलब क्या है? इन दोनों का मतलब ये है कि जब भी कोई हमारा यूजर कंप्यूटर पे इंटरेक्ट करेगा, कंप्यूटर को चलाने के लिए कुछ कमांड्स देगा, तो उसको करेक्टर इस्तेमाल करने पड़ेंगे। करेक्टर में क्या क्या आता है आपका? A to Z, ठीक है। तो जो भी हम इसमें इंटरफेसिंग करेंगे ये A to Z में करेंगे, अल्फाबेट्स में करेंगे, स्पेशल कैरेक्टर में करेंगे, ठीक है। स्लैश में कर सकते हैं, हाइफ़न में कर सकते हैं, स्टार यूज कर सकते हैं इसके लिए। तो हम इसमें स्पेशल सिंबल कीवर्ड के ऊपर जितने भी आपके लेटर्स हैं उनका इस्तेमाल करेंगे कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए। अगर मैं GUI की बात करता हूँ, इसका मतलब क्या है? ये ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो क्या यूज करेगा? आइकन्स यूज करेगा, ग्राफिक सिंबल्स यूज करेगा, पिक्चर्स यूज करेगा, तो इंटरेक्ट विद पीपल, इंटरेक्ट विद जैसे आपने स्टार्ट करना है, इसमें स्टार्ट के लिए एक पिक्चर बना हुआ लिखा हुआ स्टार्ट, ठीक है। अगर आपने कोई फोल्डर ओपन करना है तो फोल्डर का अलग से सिंबल होगा आपका बना हुआ। मान लो आपने कंप्यूटर ओपन करना है, आपके पास सिंबल यहाँ पे कंप्यूटर की स्क्रीन छुपी हुई आ जाएगी, एक PC बना हुआ रहेगा, PC आइकन आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे कंट्रोल पैनल लिखते हैं तो कंट्रोल पैनल का यहाँ पे आपके पास सिंबल आ जाएगा। तो हर एक चीज के लिए एक सिंबल होगा और उस सिंबल का पर्पज होगा जिससे कि यूजर को समझने में थोड़ा आसानी होती है। ये थोड़ा समझने में क्या है, थोड़ा डिफिकल्ट। तो आपने अभी एमएस डॉस के अंदर हमारे पास डिफरेंट कमांड्स हैं, तो उस कमांड को हमें एक-एक करके एनालाइज करेंगे। सबसे पहले आपने देखा है कि आपने एमएस डॉस स्टार्ट कैसे करना है। सबसे पहला स्टेप क्या है? स्टार्ट द कंप्यूटर, प्रेस विंडो की।
टाइप सी एम डी इक्वल शो कमांड प्रॉम्प्ट select the icon press enter जब आप एंटर प्रेस करोगे तो आपको एक ब्लैक कलर का स्क्रीन नजर आएगा इस स्क्रीन पे आपको ये चीज नजर आएगी इसको हम बोलते हैं प्रॉम्प्ट यहां पे सी हमको ये ड्राइव दिखा रहा है और ये स्लैश पाथ ऑफ कंट्रोल कंट्रोल मतलब हमने अभी कंप्यूटर हमारा किस स्टेज के ऊपर रेस्ट कर रहा है तो अभी जब आप सी लिखोगे तो यहाँ पे ये सी का फॉर्म आपको दिखा देगा अगर ये सी नहीं दिखाता है तब आपने क्या करना है यहाँ पे लिखना है सी डबल डॉट और एंटर मार सी डी बैक स्लैश एंटर ये करने के बाद आपके पास ये प्रॉम्प्ट ऐसे आए अगर आपको कुछ और सिंबल यहाँ पे नजर आते हैं और आपने सिर्फ सी ड्राइव पे आना है तो आप क्या करोगे सी डी बैक स्लैश एंटर कर दो सी डी बैक स्लैश एंटर करोगे तो ये सी ड्राइव पे आ जाएगा सी ड्राइव तो आपका पहला कमांड ये सी डी बैक स्लैश एंटर करोगे तो आपके पास ये प्रॉम्प्ट आ जाएगा यहाँ पे हमने ये बताया कि आप MS जो आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका उस विंडोज के अंदर कमांड प्रॉम्प्ट आपने कैसे लेके आया तो सबसे पहले आपने कंप्यूटर को स्टार्ट करना है विंडो बटन को प्रेस करना है CMD टाइप करना है तो यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट दिखा देगा और यहाँ पे फिर आपने इसको सिलेक्ट करना है और एंटर प्रेस करना है तो यहाँ पे एक अलग सी स्क्रीन आ जाएगी आपकी यहाँ पे ऐसे बना आपके पास स्क्रीन आ जाएगी सिंबल बना आ जाएगा छोटा सा उसके ऊपर आप एंटर मारोगे एंटर मारने के बाद ये स्क्रीन आ जाएगी जब स्क्रीन आ जाएगी तब आपका माउस काम नहीं करेगा जब आपके पास स्क्रीन आ जाएगी तब केवल कीबोर्ड पे आप इंटरेक्ट कर सकते हैं माउस के पॉइंटर से इंटरेक्ट नहीं कर पाओगे मेरे पास ये प्रॉम्प्ट मेरे को नजर आएगा सी इसको क्या बोलते हैं कॉलन बैक स्लैश ग्रेटर देन इन सबको मिला के मेरे पास बॉन्ड प्रॉम्प्ट बन जाएगा प्रॉम्प्ट इस प्रॉम्प्ट के ऊपर मेरे को डिफरेंट कमांड दिखनी है सबसे पहली कमांड हमारे पास है DIR के बाद इसके बाद हम एंटर की प्रेस करेंगे It will show all the files on files and folder. On
सी ड्राइव, आपके सी ड्राइव के ऊपर जितनी भी फाइलें बनी होंगी, जितने भी फोल्डर बने होंगे, ये उनको डिस्प्ले कर देगा। इट विल शो और इट विल डिस्प्ले। दिस इज कॉल्ड डायरेक्टरी कमांड। सेकेंड कमांड, ये हमारी फर्स्ट कमांड थी, लाइन में सेकेंड आइटम। ये कौन जब आप आइटम मारोगे उसके बाद दोबारा फिर ये कॉम आपको दिखना शुरू हो जाएगा। dir/p फिर आपने एंटर कर दिया। इट विल शो ऑल फाइल्स एंड फोल्डर पेज वाइज ऑन सी ड्राइव। इट विल शो डेट ऑफ क्रिएशन एंड साइज ऑफ फाइल, कितने केबी का फाइल है, उसमें कितने बाइट्स हैं, कितने बिट्स हैं, तो उसका ये साइज भी दिखाएगा। क्लियर हो गया? थर्ड कमांड में हमारे पास क्या आ जाएगा? dir/w इट विल शो ऑल द फाइल्स इन फोल्डर ऑन ड्राइव सी। वेट फाइल आ गया ये क्या करेगा? ये बिट वाइज दिखाएगा। इट विल नॉट शो साइज एंड डेट। ये जिस तारीख को आपकी फाइल बनी है इसमें वो नहीं दिखाएगा, केवल फाइल और फोल्डर को दिखाएगा और वेट फाइल दिखाएगा। चलो ये कमांड आपको लिखनी पड़ेगी वहां पे, ये लिखोगे तब ये रिजल्ट आएगा। जब तक आप नहीं लिखोगे तब तक रिजल्ट नहीं आएगा। जैसे आप सी ड्राइव के ऊपर डबल क्लिक करते हो वहां पे लिस्ट आ जाती है ना, यहाँ पे कैसे आपको नजर आएगी? जब बी आई आर करोगे तब आपको लिस्ट नजर आएगी, जब बी आई आर नहीं करोगे तो आपको कंप्यूटर कुछ नहीं दिखाएगा। तो अगर आपने लिस्टिंग करनी है डायरेक्टरीज की, मेरे कंप्यूटर के ऊपर कौन कौन सी फाइलें पड़ी हैं, सी ड्राइव में कौन सी पड़ी है, डी ड्राइव में कौन सी पड़ी है, तो अलग अलग फाइलों को देखने के लिए, डायरेक्टरीज को देखने के लिए इस कमांड का इस्तेमाल होता है। तो ये हमारे पास तीन तरह से अप्लाई होगी। डायरेक्टरी एंटर मार दोगे तो सारी फाइलें दिखा देगा, ये भी दिखाएगा फाइल किस दिन बनी है, उसका साइज क्या है। और अगर आपके पास dir/p कर देते हो तो वो पेज वाइज दिखाएगा आपको। मान लो आपकी जो सारी सारी फाइलें एक स्क्रीन पे नहीं आ रही, पांच स्क्रीन पे आ रही है, तो पहले पहली स्क्रीन दिखाएगा, फिर दूसरी, फिर तीसरी, जैसे जैसे आप एंटर मारोगे तो उसको पेज वाइज आपको शो करेगा। और उसमें उसका साइज भी लिखा होगा फाइल का, और साथ में क्या लिखा होगा उसका डेट ऑफ क्रिएशन, किस तारीख को वो बनी है। It will not show size and date of creation. Yeah?
ये नहीं बताएगा आपको किस तारीख को ये बनी है। हमारे पास फोर्थ जो कमांड है DATE, अगर आप डेट प्रेस करते हो इट विल शो सिस्टम डेट। अगर कैपिटल में नहीं लिखोगे तो ना तो मेरे को आपका लिखा हुआ समझ में आएगा ना आपको मेरा लिखा हुआ समझ में आएगा। नहीं सर टाइप जब आप करेंगे जब आप टाइप करोगे तो आपकी मर्जी है कि आप इसको कैपिटल में करें या स्मॉल में करेगा। बेटर ये है कि आप उसको स्मॉल में टाइप करो, ठीक है। बेटर ये है कि आप उसको स्मॉल अल्फाबेट में टाइप करें। It will show system date and time. DD MM YY. It's a date format. Date ऐसे दिखाएगा, time कैसे दिखाएगा, hour, minute, second. आज का date जैसे हमारे पास क्या date है बताओ? 10 टाइम ये टाइम ऐसे शो होता है। आपके पास डेट और अगर आप डेट के यहाँ पे टाइम डाल दो तो ये सिस्टम का टाइम दिखा देगा। अगर डेट लिखोगे तो क्या दिखा देगा? डेट दिखा देगा। फाइव तो मान लिख लो टाइम मैंने एक ही नाम दिला दिया, ठीक है। ये भी डालू टाइम कमान डेट का आता जो टाइम का डिस्प्ले version of MS DOS। ये आपको वर्जन बताएगा, जैसे आपकी गाड़ी का मॉडल होता है 2013 का 2014 का, तो ऐसे ही अलग अलग कंपनी जब जब इसको बनाती है इसको प्रोडक्शन होता है इसका, जब ये सॉफ्टवेयर डेवलप होता है तो इसका अलग अलग वर्जन तैयार होता है, तो उसमें जब इम्प्रूवमेंट होगी तो 2.1 2.3 2.5 ऐसे आता है। तो ये आपको DOS का वर्जन दिखाएगा कि आपके कंप्यूटर में जो DOS इंस्टॉल है उसका वर्जन क्या है। नेक्स्ट है हमारे पास हम अपने ड्राइव को चेंज करना चाहते हैं। अगर मैं यहां पे डी करके एंटर करता हूं इट विल चेंज ड्राइव ऑफ सिस्टम, ये क्या करेगा कंप्यूटर के सिस्टम का ड्राइव चेंज कर रहे हैं। अभी यहाँ पे आपको जो शो होगा फिर ये शो कर तो आप डी के फाइल देख पाएंगे। अगर यहाँ पे आप ई कर देते हो तो आपका ये ड्राइव ई चेंज हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे एफ करते हो
ये आपका एफ प्राइम शो कर रहे हैं। और अगर दोबारा मैं यहाँ पे डी कर रहा हूँ, अभी मैं डी पे काम करूंगा, तो मैं डी कॉलन एंटर की लास्ट में मेरे पास आ जाएगा डी प्राइम। अगर मैं देखना चाहता हूँ मेरे पास डी पे कौन सी फाइल है, फिर यहाँ पे क्या लगा दूंगा मैं डी आई आर और यहाँ पे एंटर प्रेस कर दूंगा, तो मेरे कंप्यूटर में जितनी भी फाइलें बनी होंगी, जितने भी फोल्डर बने होंगे, उसको डिस्प्ले कर दूंगा। नेक्स्ट है मेरे पास MD स्पेस बार इंडिया, इट विल क्रिएट अ फोल्डर, क्रिएट ए फोल्डर, फोल्डर को हम डायरेक्टरी भी बोलते हैं, फोल्डर डायरेक्टरी ऑन फॉर एग्जाम्पल आई वाज ऑन डी ड्राइव। यहाँ से सबसे लास्ट में मेरे डी ड्राइव पे छोड़ा रहा है इसको, तो मेरे पास प्रॉम्प्ट कहाँ पे दिखाएगा, डी ड्राइव का। इट विल क्रिएट अ फोल्डर डायरेक्टरी ऑन डी ड्राइव विद नेम इंडिया, ये हमारे पास जो इंडिया नाम से है ये एक फोल्डर बन जाएगा आज की डेट में और आज के टाइम पे, जो आपका टाइम आप जिस टाइम पे इसको बनाते हो तो उस टाइम में ये इसको क्रिएट कर देगा। अगर आप ये देखना चाहते हो कि आपके कंप्यूटर में ये बना है या नहीं बना है, तो आप क्या करोगे, डायरेक्टरी आर ई सी टी ओ आर वाई, डायरेक्टरी और फोल्डर नाम होता है, ये स्पेस बार है, स्पेस बार एक चीज जब हम कंप्यूटर में लिखते हैं तो इसको इसका मतलब होता है स्पेस बार, ये स्पेस बार का सिंबल है। ये कैसे बनता है, आपने पहले बी लिखना है, इसको ऐसे कट कर देना, इसका मतलब है एक स्पेस बार आपने दबा दिया, तो आपने जब एम डी लिखना है और उसके बाद स्पेस बार दबाना है, उसके बाद अपने फोल्डर का नाम लिखना है, इसका नेम हो क्या बोलते हैं नेम ऑफ फोल्डर, उसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट। ये हमारे पास जो बना हुआ है ये हमारे पास पहले बना हुआ आएगा, आपने इसको चेंज नहीं करना, आप इसको चेंज कर सकते हो। तो आपने कहते सिर्फ यहाँ पे अपना फोल्डर बनाना है कि आपके डी ड्राइव के ऊपर एक इंडिया नाम से फोल्डर बना दिया। नाउ डी आई आर विल शो folder is present in list, in place MD बनाने के लिए हो गया। अगर इसको इसको डिलीट करना चाहता हूं, RD space bar India, एंटर की मैंने नहीं बनाई थी, आप लोग ये यहाँ पे एंटर की भी आपने इसके बाद, ये जो सिंबल है ये किस चीज का है, एंटर की का, आपके कंप्यूटर के कीबोर्ड के ऊपर जो एंटर की है वो आपने प्रेस करनी है। ये करने के बाद अगर आप ये आर डी स्पेस बार इंडिया करते हो तो इट विल डिलीट the folder, ये क्या करेगा इस डायरेक्टरी को कंप्यूटर से डिलीट कर देगा। अगर आप फाइल को बनाना, आप फोल्डर को बनाना चाहते हैं तो आप एमडी करोगे, अब उसको आरडी करते हो तो उसका मतलब रिमूव डायरेक्टरी, एमडी का मतलब होता है मेक डायरेक्टरी, ठीक है, आरडी का मतलब हो गया
न्यू डायरेक्टरी, और एमडी का मतलब क्या हो गया, मेक डायरेक्टरी। डायरेक्टरी का मतलब क्या है, हमारे कंप्यूटर के ऊपर डी ड्राइव में एक ऐसा कमरा बना दे जिसके अंदर हम अपना सामान रख सकते हैं, उसके अंदर हम अपनी फाइल भी रख सकते हैं, अपना फोल्डर भी रख सकते हैं, ठीक है, उसके अंदर कोई पिक्चर भी रख सकते हैं, कोई म्यूजिक भी रख सकते हैं, कोई फोटो भी एडिट, तो हम जो चाहे वो उसके अंदर डाटा रख सकते हैं। तो ये आपका फोल्डर क्या हो गया तरह का, जैसे आपके घर के अंदर अलग अलग कमरे बने होते हैं, कमरे के अंदर अलग अलग अलमारी बनी होती है, अलमारी के अंदर आपके अलग अलग शेल्फ बने होते हैं, तो शेल्फ के अंदर आप जाके अपना सामान रखते हो। तो इसी तरह जो अलग अलग कंपार्टमेंट बनते हैं, अलग अलग चीजें बनते हैं, अलग अलग बॉक्सेस बनेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, फोल्डर, या उनको डायरेक्टरी बोलते हैं। और दोबारा चेक करने के लिए आप क्या करते हो, फिर दोबारा DIR, जब DIR यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे आपकी लिस्टिंग में ये प्रेजेंट नहीं होगा, विल शो फोल्डर इंडिया इज नॉट प्रेजेंट इन लिस्ट। मतलब जो ये लिस्ट दिखाएगा, उस लिस्ट के अंदर आपको अब RD करने के बाद ये इंडिया वाला फोल्डर नजर नहीं आए। ये एक्चुअली यही बार बार रिपीट होना चाहिए, ये तो दिखाने के लिए आपको, कि आप ये भी चेक कर सकते हो कि आपने जो फोल्डर बनाया वो आपका लिस्ट में आ रहा है या नहीं आ रहा। पहले हम एक फोल्डर बनाएंगे MD स्पेस बार इंडिया, फोल्डर क्रिएट हो जाएगा, उसके बाद कमांड CD स्पेस बार इंडिया, ये प्रेस करने के बाद ये आपको ड्राइव पे दिखा देगा, डी ड्राइव यहाँ पे स्लैश, फिर यहाँ पे दिखाएगा इंडिया और स्लैश ग्रेटर देन, तो ये अब आपको प्रॉप ऐसा नजर आएगा। चेंज द डायरेक्टरी पाथ, मतलब ये सबसे पहले आपका डायरेक्टरी कहां पे था, डी दिखा रहा था, मगर जब आप सीडी करते हो तो क्या कर देगा, चेंज द डायरेक्टरी, तो ये क्या कर देगा, इंडिया के अंदर जंप करेगा। जैसे आप किसी फोल्डर पे जाते हो विंडो के अंदर डबल क्लिक करते हो ना, तो डबल क्लिक करने के बाद फोल्डर के अंदर चले जाते हो, अगर आपने फोल्डर के अंदर जाना है तो आपको उसी कमांड लगानी पड़ेगी CD स्पेस बार इंडिया। अगर आपने वहां पे 5 फोल्डर बनाए हैं, 5 फोल्डर में आपके अलग अलग नाम से फोल्डर बने हुए हैं, राजेश कुमार बनाया हुआ है, अमित कुमार बनाया हुआ है, तो आपने जिस फोल्डर के अंदर जाना है, जंप करना है, तो वहां पे जंप करेंगे वो सी कमांड है चेंज डायरेक्टरी, CD स्पेस बार वो फोल्डर का नाम डाल देंगे, यूज टू चेंज द डायरेक्टरी पाथ। तो अभी हम इंडिया में आते, स्लैश इंडिया फिर स्लैश फिर गेटर, प्रॉम्प्ट बाद में आएगा, हाँ ये प्रॉम्प्ट बाद में आएगा, क्योंकि हम सीडी का मतलब इससे अंदर चले गए। इंडिया के बाद भी है, ठीक है। अब आपने क्या करना है,
कॉपी स्पेस बार ऑन स्पेस बार कंप्यूटर डॉट टीएक्सटी। फिर आपने क्या करना है, यहां पे कुछ लिखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे लिख रहा हूं वेलकम टू वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर। We created a file with name computer on drive. तो ये किसलिए कॉपी कौन कमांड आपकी इस्तेमाल होती है? यहां पे ये क्या है, नेम ऑफ फाइल। दिस इज योर कंटेंट ऑफ फाइल। डब्ल्यू आर एल वर्ल्ड, ये सारा जो भी लिखा हुआ है क्या कंटेंट ऑफ फाइल। अब इसको सेव करना चाहते हैं तो आपको कंट्रोल जेड दबाना है, कंट्रोल जेड दबाना है और एंटर प्रेस कर देना है। जब आप कंट्रोल जेड कमांड इसके लिए टू सेव द कंटेंट ऑफ फाइल, तो ये आपकी किस लिए इस्तेमाल होती है फाइल, ये कॉपी कॉल कमांड। इसमें हम एक फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसमें क्रिएट कर सकते हैं। कमांड इज यूज्ड टू क्रिएट ए फाइल ऑन दिस। तो अगर हमने एक फाइल बनानी है, जैसे आप नोटपैड में एक फाइल बनाते हो, अगर आपने डॉस के अंदर कोई फाइल बनानी है नोटपैड के अंदर, तो वो कैसे बनेगी? सबसे पहले आपने कॉपी लिखना है, फिर स्पेस बार लिखना है, फिर कॉल लिखना है, फिर स्पेस बार लिखना है, फिर उस फाइल का नाम लिखना है जो आप बनाना चाहते हो। जैसे अभी आपने जो फाइलें बनाई थी वो क्या बनाई थी, इंग्लिश टाइपिंग लेसन नंबर वन। तो ऐसे आप इंग्लिश टाइपिंग लेसन नंबर वन डॉट टी एक्स टी करते हो तो इसका मतलब वो नोटपैड की फाइल बन गया। तो डॉट टी एक्स टी आप एंटर मारोगे, एंटर मारने के बाद आप इसके अंदर तो लिखा होगा जो भी अंदर लिखोगे वो सेव हो जाए, ठीक है। आप उस पर टाइपिंग करते हैं ना ए एस डी एफ, तो ए एस डी एफ लिखने के लिए जो पहले फाइल बनानी है आपको, उस पर कैसे बनेगी फाइल, फाइल बनाने का तरीका कॉपी स्पेस बार कॉन स्पेस बार कंप्यूटर डॉट टी एक्स टी, तो इस तरह एक फाइल बन जाता है। और ये आपने सारा मैटर लिख दिया, ये सारा मैटर लिखा हुआ है, ये सारा मैटर है कंटेंट जो आपने फाइल में लिखे हैं। जब फाइल में आप कंटेंट लिखे हो तो उसको सेव करना पड़ता है, तो सेव करने के लिए हमारे पास क्या है, कंट्रोल जेड। आपने कंट्रोल प्लस जेड की दबानी है तो ये सिंपल नजर आ जाएगा स्क्रीन के ऊपर। फिर आपने क्या करना है, एंटर मारना है। एंटर मारने के बाद क्या दिखाएगा, ये फाइल इज क्रिएटेड, ये मैसेज दिखाएगा फाइल इज क्रिएटेड। और ये दोबारा आपका क्या दिखा देगा, डी इंडिया ये प्रॉम्प्ट दिखा देगा दोबारा आपको, ये वाला प्रॉम्प्ट दोबारा दिखा देगा, ये वाला प्रॉम्प्ट दोबारा आ जाएगा। फिर आप ये चेक करना चाहते हो आपकी फाइल बनी है या नहीं बनी है, तो आप क्या करोगे दोबारा,
तो ये यहाँ पर लिस्टिंग में क्या दिखाएगा आपको, कंप्यूटर नाम से एक फाइल दिखा देगा, ये इस तारीख को बनी है और इतने बजे बनी है। तो ये कमांड होगी आपकी, दिस कमांड इज यूज टू क्रिएट ए फाइल ऑन डिस्क, फाइल इज क्रिएटेड, ये मैसेज आपके पास डिस्प्ले हो जाएगा वहां पे जब आप एंटर प्रेस करोगे। तो उसके बाद दोबारा ये प्रॉम्प्ट आ जाएगा, ये प्रॉम्प्ट आने के बाद आपने क्या करना है, इसके ऊपर DIR लिखना है। DIR लिखोगे तो क्या दिखा देगा ये, तो उस फोल्डर के अंदर आपने जितनी फाइल बनाई है उसको दिखा देगा कि आपने ये फाइल बनाई है, उसका नाम क्या दिखा देगा, computer.txt, और कब बनी है वो डेट दिखाएगा आपकी, आज की डेट दिखाएगा और आज का टाइम दिखाएगा जितने बजे वो बनी हो। कंट्रोल पर सेट तब करेंगे जब हमने सारा इसमें काम कर लिया, काम करने के बाद कंट्रोल सेट दबाना आपने, बस मैसेज आ जाएगा फाइल क्रिएटेड और डिस्प्ले अच्छा है ग्रेटर देन। हां ये ऊपर यहां पे ये द्वारा ये आ जाएगा, अगर आप देखना चाहते हो फाइल आपकी बनी है कि नहीं बनी है तो DIR करके आप इस पे एंटर मार दो, और ऐसा होने के आगे जॉइन टू पेज। हां ये जब आप कंट्रोल सेट दबाओगे तो ये बनाओ सिंबल आ जाएगा ऊपर में बनाओ फाइल। अभी हमने फाइल को बना दिया, अब हम ये देखेंगे फाइल में क्या लिखा हुआ। अब हमारा जो पार्ट था वो क्या था, डी ड्राइव में इंडिया के अंदर थे ना, अब यहां पे हम क्या लिखेंगे टाइप, इस बार फाइल का नाम क्या था, computer.txt, एंटर प्रेस करेंगे। तो हमने फाइल में क्या लिखा था, वेलकम टू वंडर वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर वर्ल्ड ऑफ वेलकम टू वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर। वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर वी हैव क्रिएटेड अ फाइल file with name computer.txt. On D drive India folder. It will show ये हमारा कंटेंट ये दिखाएगा। टाइप का मतलब है कि आपने जो फाइल में लिखा है, इट विल शो कंटेंट ऑफ फाइल, इट विल शो कंटेंट ऑफ फाइल, तो आपने जो भी फाइल में लिखा होगा तो उसको ये डिस्प्ले करेगा, उसको शो करेगा। टाइप स्पेस बार फाइल में, आप किसी भी फाइल के अंदर देखना चाहते हैं उसमें क्या लिखा हुआ है तो आप ये कमांड है टाइप स्पेस बार फाइल नेम, अगेन क्रिएटिंग ए फाइल, कॉपी स्पेस बार कॉन स्पेस बार C1 डॉट
txt we are in file c1 control z to save now dir इसमें dir करेंगे सेव के बाद dir टू चेक फाइल इज क्रिएटेड del स्पेस बार c1.txt used to delete a file अगर मैं फाइल को डिलीट करना चाहता हूं तो मेरे पास कमांड क्या है del स्पेस बार c1.txt तो ये फाइल जो आपके डिस्क में बनी होगी वो डिलीट हो जाएगी अगर मैं अपनी फाइल को डिलीट करना चाहता हूं तो मेरे को क्या करना पड़ेगा लिखना पड़ेगा del स्पेस बार c1.txt जो ये फाइल आपकी बनी होगी डिलीट ए फाइल c1.txt फाइल को डिलीट कर देगा आपकी डायरेक्टरी से आपके कंप्यूटर में जो फाइल बनी होगी उसको डिलीट कर देगा edit spacebar computer.txt enter इसके बाद मुझे enter आए it will open the content of file and we can edit the file we can edit the file and then save new content of file we will see a screen like this here you will find edit file you have various options save as exit Welcome to wonderful world of computer. We are in file computer dot txt. We are modifying the file. Editing file. After that, आपको इस तरह की स्क्रीन नजर आएगी अब आपने ये ओपन करने के बाद यहाँ पे आपने नई चीज ये एडिट कर दिया ये वाला चीज एडिट कर दिया उसके बाद मूव
प्रेस ऑल्ट प्लस एफ देन एस और सेव सेव द फाइल। इसमें आपको माउस का पॉइंटर भी नजर आ जाएगा, आप फाइल पे क्लिक करोगे और सेव पे क्लिक कर दोगे। इस सेव पे क्लिक करोगे तो फाइल के कंटेंट सेव हो जाएंगे और उसके बाद आप एग्जिट पे क्लिक करोगे। सबसे पहले सेव पे और फिर एग्जिट पे। माउस ऑन फाइल और प्रेस ऑल्ट प्लस एफ और फाइल मेनू सेलेक्ट सेव content. It will show modified contents of file. तो आपने जो फाइल बनाई होगी, जो आपने कंटेंट एडिट किए हैं, वो आपको इस पे डिस्प्ले कर देगा, नए वाले कंटेंट दिखा देगा। तो इस तरह आप अपनी फाइल को बना सकते हैं, उसको एडिट भी कर सकते हैं और ये टाइप का मतलब उसको देख सकते हैं उसमें क्या लिखा है। ये ब्लू कलर की स्क्रीन आएगी, इसका बेस ब्लू कलर का स्क्रीन आएगा। और ये प्रॉम्प्ट आप जितने भी देख रहे हो सारे के सारे ब्लैक कलर की स्क्रीन पे है। मॉडिफाइंग और एडिटिंग का मतलब एक ही होता है कि आपने जो पहले कंटेंट लिखा है उसको ऑमिट कर रहे हैं और नया वाला उसमें कंटेंट लिख रहे हैं। आपने मान लो नाम लिखा था रमेश कुमार, आपने लिख दिया राजेश कुमार, तो आप उसको चेंज करना चाहते हो, तो चेंज करने के लिए कौन सी कमांड बनेगी? एडिट। मूव द माउस पॉइंटर ऑन फाइल पे जाओ, प्रेस ऑल्ट एफ करो, फाइल मेन्यू आ जाएगा, उसके बाद सेव करो, उसके बाद एडिट। इसको करके कंप्यूटर पे करोगे तो बहुत आसानी हो जाएगी, मुश्किल नहीं लगेगा, ठीक है ना। एक बार जब आप प्रॉम्प्ट आ गया तो फिर तो खाली टाइप ही करना है, बस ये वर्ड टाइप करना है, एंटर मार, ये वो भी आपको दिखा देंगे करके। करने के बाद दिमाग में समझ में आएगा कि ये वो चीज है, ऐसे करना है। निकाल दें, हमने फाइल बना लिया, फोल्डर बना लिया, सिस्टम का डेट देख लिया, टाइम देख लिया, फाइल को डिलीट करना है, डिलीट स्पेस बार फाइल नेम। नेक्स्ट कमांड इज डिलीट वाला कमांड बता दिया आपको, फाइल को डिलीट करना है, हो गया। मॉडिफाइड कंटेंट एल फाइल विल डिलीट द फाइल,
आने वाली कमांड यूज आई मैंने जो del space bar c1 किया था इसको हमने कंप्यूटर में बिठा दें cd backslash used to come out from directory ये क्या दिखाएगा इसके बाद दोबारा प्रॉम्प्ट आता है अब हम इंडिया से बाहर जब उतरना चाहते हैं तो उससे बाहर आना चाहते हैं तो cd backslash मगर ये आपने टाइप नहीं करना ये टाइप करना है वो अपने आप आएगा जी आपने टाइप करना इसको मैं प्रॉम्प्ट बोल रहा हूँ सारे ये जो सारा कंटेंट है इसको क्या बोल दिया प्रॉम्प्ट वो जगह है वो कर्सर पॉइंट है जहां से कंप्यूटर कमांड लेगा ठीक है और ये वो करेक्टर्स ये कमांड है जो आप देते हो उसको इंस्ट्रक्शन है जो कंप्यूटर को देते हो ठीक है इंस्ट्रक्शन क्या होती है जो हम देते हो आदेश आदेश हम कंप्यूटर को कोई काम करने के लिए अगर बोलेंगे तो उसको क्या बोलेंगे आप इंस्ट्रक्शन अब हमारे पास ये आ गया मींस टू कम आउट फ्रॉम द डायरेक्टरी मालूम है इंडिया में नहीं होगी मेरे पास एक फाइल है R E N स्पेस बार कंप्यूटर डॉट टी एक्स टी स्पेस बार रमेश डॉट टी एक्स टी ओल्ड फाइल नेम न्यू फाइल नेम Command is used to rename a file. अगर आपने फाइल का नाम बदली करना है तो उसके लिए कमांड है re. Rename space bar old file name space bar new file. तो आपकी नई फाइल बदली हो जाएगी पुराने वाले फाइल के सारे कंटेंट नई फाइल में चले जाएंगे ये एडिट से भी हो सकता है एडिट का मतलब होता है आपने जो अंदर लिखा हुआ है उसको बदली करना है कंटेंट को बदली करना है अभी आपने क्या कर दिया अपनी जो आपने रजिस्टर के बाहर अपना नाम लिखा हुआ उसको भी बदली कर दिया आपने कंप्यूटर लिखा हुआ था उसमें आपने साइंस लिख दिया खाली तो अगर आपने फाइल का नाम चेंज करना रजिस्टर का नाम चेंज करना जिसमें आप काम कर रहे हैं तो उसे हम क्या करेंगे रीनेम अगर आप दोबारा डी आई आर करोगे तो कौन सी फाइल दिखाएगा इट विल शो हमें हमें जो टी एक्स दिखाएगा कॉपी
स्पेस बार रमेश डॉट टीएक्सटी स्पेस बार कंप्यूटर 9.txt फाइल नेम न्यू फाइल नेम यूज टू क्रिएट ए कॉपी ऑफ फाइल with new name एक डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगा जिसका नाम होगा कंप्यूटर 9.txt जब आप DIR करोगे तो DIR में क्या दिखाएगा DIR में रमेश वाली फाइल भी दिखाएगा और साथ में कंप्यूटर 9 वाली फाइल भी दिखाएगा तो इसने क्या कर दिया इसको कॉपी कर दिया तो हमने एक फाइल को कॉपी कर दिया एक नए नाम से इसका नाम है कंप्यूटर 9 लिखा और सारे के सारे कंटेंट किस में आ जाएंगे कंप्यूटर 9 में आ जाएंगे ये बिल्कुल ऐसे काम करता है जैसे आपकी फोटो सेट होती है आपने एक फोटो सेट बना दिया और इसमें क्या होगा डिजिटल फॉर्म में आपका एक फाइल क्रिएट हो जाएगा एक नए नाम से तो ये फाइल है और ये इसका न्यू फाइल नेम ये नए फाइल नेम से भी सेव हो जाएगा कॉपी एक लास्ट कमांड है clear the screen used to clear the screen इसका काम क्या है जो भी आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखा होगा सबको साफ कर देगा बिल्कुल व्हाइट कर देगा जैसे मैं एक बार डस्टर मार के सारा साफ कर देता हूं ना तो आपका सिर्फ प्रॉम्प्ट नजर आएगा बाकी सब कुछ पिछले सारा कचरा उसके साफ हो जाएगा ये मिटा दें कमांड 89 20 हो जाएगा ऊपर backslash वापिस आने के लिए फिर डी प्रॉम्प्ट आ जाएगा आपका यहां से आप लिखोगे एग्जिट एग्जिट फ्रॉम कमांड प्रॉम्प्ट बैक टू विंडो बैक टू विंडो दोबारा विंडो में आ जाएगा एग्जिट फ्रॉम कमांड प्रॉम्प्ट बैक विंडो अब आपके लिए एक्सरसाइज क्या है ठीक है अभी आपके लिए एक्सरसाइज क्या है
create a folder India. अब आपके कंप्यूटर जो है, ये माई कंप्यूटर है, माई कंप्यूटर पे अलग अलग ड्राइव है आपके, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव। अब आपने डी ड्राइव पे जाना है और डी ड्राइव पे एक फोल्डर बनाना है, उसका नाम क्या है, इंडिया। इंडिया में फोल्डर बना रहा है ऑल स्टेट, सबसे पहला कौन सा बन जाएगा, हरियाणा, पंजाब। कितनी स्टेट्स हैं, थर्टी नाइन, सबके आपने फोल्डर बना रहे हैं। फिर हरियाणा के अंदर जाना आपने, हरियाणा में डिस्ट्रिक्ट लिख दो अंबाला, पंचकूला, कैथल, मैं चार लिख रहा हूँ, यमुनानगर, अंबाला में आईटीआई, आईटीआई के बाद कोपा, आरएसपी, देन वेल्डर, एमएम, ईएल, ईएम, कोपा में कोपा 29, कोपा 30, कोपा 30 में, कोपा 30 में फाइल बनानी है, किस नाम से, कोपा रमेश अपने नाम से .txt, इसमें लिखना है वी आर इन AITI Copa 30, कंट्रोल जेड मारना है। तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए हो जाएगा कि आपने क्रॉस पे जाने के बाद कितना काम करना है, तो आपकी ये सारी की सारी कमांड में आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। फोल्डर कैसे बनेगा, यहाँ पे कैसे आओगे, यहाँ से कैसे आओगे माई कंप्यूटर पे, डी ड्राइव पे, पहले कमांड प्रॉम्प्ट पे जाओगे, कमांड प्रॉम्प्ट के बाद डी ड्राइव पे जाओगे, डी ड्राइव के बाद फोल्डर बनाओगे एमडी से, एमडी के बाद फिर फोल्डर बनाओगे अंदर हरियाणा पंजाब, ये सारे सारे फोल्डर बनाने हैं। फिर आप इसके अंदर जंप करोगे हरियाणा के अंदर, फिर पांच फोल्डर बनाओगे, फिर इसके अंदर जंप करोगे आईटीआई फोल्डर बनाओगे, फिर पांच इसके अंदर फोल्डर बनाओगे, फिर यहाँ पे कोपा 29 बनाओगे, कोपा 30 बनाओगे, फिर कोपा 1929 के अंदर जंप करने के बाद ही फाइल बनाओगे। तो इस तरह इसमें प्रैक्टिस कर सकते
Thank you.